नल जल योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं कई जन कल्याणकारी योजनाओं पर हुई बैठक। आज जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्रियान्वित जन कल्याणकारी योजनाएं यथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य की उदंता स्थिति, नल जल योजना संचालन की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्तमान क्रियान्वित स्थिति, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत संचालित योजनाओं की उदंता स्थिति आदि मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत प्रखंडवार चिन्हित स्थानों पर संचालित सामुदायिक स्वच्छता परिसर की वर्तमान क्रियान्वित स्थिति समीक्षा क्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अपूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने एवं पूर्ण हो चुकी योजनाओं को संबंधित समुदाय को हस्तांतरित करते हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक को संचालित योजनाओं के भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया गया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य में आगामी एक सप्ताह में प्रगति निश्चित रूप से परिलक्षित हो इसे सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। विकसित बिहार के साथ निश्चय के तहत संचालित नल जल योजना अंतर्गत जिले में समेकित रूप से 29 वार्डों में कार्य प्रगति पर है। संबंधित प्रखंडों को 30 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उक्त लंबित कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं लोक स्वच्छ अभियंता विभाग को नल जल योजना संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की अद्यतन क्रियान्वित स्थिति समीक्षा क्रम में वित्तीय वर्ष 16-17 से 20-21 के संदर्भ में सभी प्रखंड को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपूर्ण आवासों को तेजी से पूर्ण करने की दिशा में ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 2000 भूमिहीन परिवारों को योजना अंतर्गत लाभ दिए जाने का लक्ष्य है। संबंधित पदाधिकारियों को उक्त हेतु भूमि चिन्हित करने एवं तत्संबंधित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में कल्याण शाखा द्वारा संचालित सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण की विस्तृत समीक्षा क्रम में ये तथ्य उभर कर सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में ली गई कुल 8 योजनाओं में से 3 योजना पूर्ण है एवं शेष में कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 17-18 हेतु निर्देशित लक्ष्य की संख्या 9 है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण की क्रियान्वित स्थिति की समीक्षा एवं निर्मित भवनों के भौतिक सत्यापन एवं समुचित रखरखाव हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। समीक्षा क्रम में सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेंसी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। आसान पंचायत निर्वाचन के सुचारू संचालन हेतु की जा रही तैयारी समीक्षा क्रम में सभी प्रखंड में ईवीएम के रखरखाव हेतु उपयुक्त स्थल अर्थात स्ट्रांग रूम चिन्हित करने एवं मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया गया। बैठक में आसान पंचायत निर्वाचन अंतर्गत विभिन्न दायित्व के समन्वय निर्वहन के उद्देश्य से गठित विभिन्न कोषांग को निर्धारित कार्य एवं समय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। प्रखंडवार कुआं जीर्णोद्धार कार्य समीक्षा क्रम में ये तथ्य उभर कर सामने आया कि समयोचित रूप से 95 कुआं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हुआ है जो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अत्यंत कम है। कुआं जीर्णोद्धार कार्य की स्थिति रंगरा चौक सबौर में अत्यंत असंतोषजनक पाया गया है। तदनुसार उक्त दोनों प्रखंडों को कार्य में तेजी लाने हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई की सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही अन्य प्रखंड को भी योजना क्रियान्वित में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत रंगरा चौक सबौर नवगछिया कहलगांव जगदीशपुर बिहूपुर आदि को लंबित कार्य को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में विभिन्न स्तर पर न्यायालय मानवाधिकार संबंधित लंबित मामलों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है।